वेल गुड मॉर्निंग एंड हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ऋषभ काव्या अभी सो ही रहे हैं, तो भाई जो है आज तो बाहर ही सोए क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उधर जो है बिल्कुल पूरा ये पैक हो जाता है बिकॉज़ वेंटिलेशन के लिए कोई ऊपर जगह तो है नहीं, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो भाई सोचा कि चलो बाहर ही लेटते हैं आज तो, और भाई जो है कूलर के सामने हम लेट के मत सोए। जब हम छोटे थे तो हम ऐसे ही सोते थे, पुरानी यादें भी सारी ताज़ा हो गई। जब हम बिल्कुल ऋषभ और काव्या के मतलब एज में थे तो हम ऐसे ही छत पे लेटते थे, ऐसे ही सोते थे। हालांकि बस फ़र्क इतना है कि हम थोड़ा सा वहाँ सोते थे और ये वाला रूम था नहीं। तो प्रियंका भी आ चुकी है चाय लेकर, और भाई जो है सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और भाई जो है काफ़ी सारी गर्मी ऑलरेडी बाहर हो चुकी है और ये घड़घड़ा रही है उधर से पीछे लगी हुई है भाई अपना जपियन का काम करने के लिए। और बच्चे ज़िद कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि भाई फ़ोन दे दो फ़ोन दे दो, लेकिन भाई जो है बच्चों की आदत ख़राब हो जाती है, पूरा दिन देखते रहते हैं फिर भाई जो है ऊपर से सोने का नाम नहीं। तो भाई ये थोड़ी बहुत देर तो हालांकि दे ही सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटी होती हैं जैसे ड्राइंग या कलर वगैरह तो सीखते भी हैं, बट वही है कि बच्चे बिगड़ते जाता है तो फ़ोन नहीं दे रहा हूँ। ना देने का नतीजा है काव्या और ऋषभ ने मिलके ये सब बनाया है। पता नहीं क्या है, क्या है ये ऋषभ, ये क्या बनाया है, क्या बनाया? मैंने बनाया ये कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। और इधर जो है अपने जानवर बैठे हुए हैं, अपनी भैंस आराम से लेटी हुई है, ये देखो कितनी गहरी नींद है। हाँ अच्छा, तो अभी ये मेरे को बोल रही है कोड वर्ड में कि चलो अंदर ले चलो, तो अभी इनको उठा के जो है थोड़ी देर में अंदर लेके जाऊंगा। और अभी सूरज नीचे जा चुका है, शाम हो चुकी है और आज हम भर रहे हैं अपनी चारपाई। तो चारपाई भर रहे हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है, मेहनत भी लग रही है, लेकिन भाई जो है सोने में भी इतना ही मज़ा आता है, बेड से तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग नींद आती है इसमें, क्योंकि इसमें कमर जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल और नॉर्मल रहती है, बेड की तरह सीधी नहीं रहती है। तो चलिए फटाफट अपना काम निपटाते हैं। ये और भाई ये दोनों चारपाई जो हैं सही से करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली यही हुआ, अभी मुश्किल हो रही है पूरी होने में क्योंकि पीठ में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि भाई जो है इस पर झुके झुके ये इसको खींचते रहो और टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, और उंगलियाँ भी कट जाती है क्योंकि ये जो रस्सी है इसको ऐसे बार बार मिलाना पड़ता है, और उंगलियों की हालत देख ही सकते हो। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, सूर्य देवता निकल चुके हैं और भाई जो है अभी अभी काव्या की नींद खुली है, ऋषभ का बिल्कुल मन नहीं है उठने का, लेकिन फिर भी क्या करे स्कूल में जाना पड़ेगा। आखिरकार 3 दिन की छुट्टियों से ये भी भाई जो है लेजी मोड में चला गया है, क्या ही कर सकते हैं, हमारा खुद ही मन कम कर रहा है। होता है यार कई दिन की छुट्टियों के बाद। कल चाय आ चुकी है, नीचे पानी भरने वाला आ चुका है, और उधर जो है मस्त सूर्यदेव हमारे निकल चुके हैं। तो अभी फटाफट चाय पी के तैयारी करते हैं और भागते हैं स्कूल में। ऋषभ उठ लो, देर हो जाएगी ऋषभ। दोपहर हो चुकी है और आते ही भाई जो है सीधा चारपाई के ऊपर, काफ़ी थकान भी हो गई क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा ही रहता है। अभी बिल्ली के पीछे लगा हुआ है, थोड़ा सा लंच करते हैं बाद में बात करते हैं। तो फाइनली दोपहर में मिल रही है चना चाट जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी है, और लेकिन जो है हल्का सा मसाला तेज़ है तो खट्टा भी लग रहा है हल्का सा बस, लेकिन है काफ़ी इंटरेस्टिंग। अभी शाम हो चुकी है और भाई जो है ज़रा एक्सप्रेशन देखो इसके, तो अभी सब मस्त चल रहा है। और ऋषभ को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसको करना पड़ रहा है अभी होमवर्क, और कहा मैंने होमवर्क किया नहीं है और अभी लगा हुआ है। और भाई रात हो चुकी है और भाई चांद निकल चुका है, तो इस व्लॉग को रख लेते हैं इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगर नेक्स्ट व्लॉग में।
तो भाई जो है पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं आया तो कमेंट करो, डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर बताओ कि पसंद क्यों नहीं आया, क्या सुधार किया जा सकता है। होप सो इतना ही तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।